नमस्ते ब्रजेशारी बीड, आपका स्वागत है। आज ऐसी गाड़ी के सामने आया हूँ भाई जो दो कंपनियों ने मिलके बनाई है। अब एक कंपनी अपनी आती है टोयोटा की, एक कंपनी आती है मारुति सुजुकी। दोनों कंपनियाँ ही जापान की हैं भाई, लेकिन दोनों कंपनियों के अंदर भाई इसको मिलके बनाया है तो भाई दोनों कंपनियाँ मार्केट पर तहलका सा मचाने वाली है। ये है भाई मारुति सुजुकी की इनविक्टो। भाई सुजुकी ने इसको लिए तो अब टोयोटा के पास भी ये वाली गाड़ी है और सुजुकी ने भी ले ली है। लेकिन भाई सबसे शुरुआत से बात करते हैं इसकी चाबी से। तो चाबी आपको मिलती है ऐसी सुजुकी का लोबो और सेम आपको भाई टोयोटा जैसी चाबी मिल जाती है। लेकिन ये जो चाबी है ना बड़ी शानदार लुक देती है भाई। अब इस बात करते हैं इस वाली MUV की। ये है भाई MUV व्हीकल है ये भाई। लंबी चौड़ी लगती है भाई, काफ़ी ऊँची है गाड़ी। ये डायमेंशन वगैरह सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले पर शो हो जाएंगी, आराम से आप पढ़ लेना कितनी क्या डिस्प्ले पे है, कितनी क्या नहीं है, कितनी क्या लंबी चौड़ी ये है। और भाई मेरे हिसाब से गाड़ी जो वैल्यू फॉर मनी ना प्रेजेंट में काफ़ी अच्छी है। ये प्राइस की बात करूँ ना, प्राइस में आपको कितनी क्या पड़ती है तो प्राइस में भाई ये 24,73,000 से शुरू होती है और अपनी टॉप मॉडल जाती है भाई 28,23,000 रुपये। अब वेरी करता है स्टेट बाई स्टेट, लेकिन कभी शायद एक दो महीना प्राइस बढ़ भी जाए, ये भी है। बात करते हैं इसकी सामने से आपको कैसी लगती कैसी नहीं लगती वो भी आपको दिखाता हूँ भाई। ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं इसका जेटा प्लस 8 सीटर वाला वेरिएंट दिखते हैं। टॉप मॉडल में आपका अल्फा प्लस 6 सीटर और 7 सीटर और 6 सीटर का ऑप्शन भी आता है। बात करते हैं इसकी ग्रिल से। ग्रिल आपको 12 चैम्बर मिल जाती है, ऐसी मिल जाती ग्रिल। आपको कैमरा इसमें नहीं मिलता है, यहाँ पर टॉप मॉडल में आपको कैमरा मिल जाता है। यहाँ पर कैमरा आ जाता है इस जगह पर। तो ग्रिल आपको ऐसी मिलती है, लाइसेंस प्लेट की नंबर प्लेट ट्रैक्टर ग्रिल आपको ऐसी मिलती है। काफ़ी बड़ी सी एक स्पीड प्लेट यहाँ पे दी गई है और निचाई भी भाई काफ़ी ऊंची गाड़ी है, अभी देख सकते हो ये भाई काफ़ी अच्छी है। अब इधर से दिखाता हूँ मैं आपको इधर से कैसी क्या नहीं है। पहले जलाता हूँ इसकी लाइट। लाइट जलाने के लिए भाई मुझे गाड़ी अनलॉक करनी पड़ेगी। अनलॉक करके गाड़ी और इसकी लाइट जलाता हूँ एक बार। यहाँ से ऑन कर लेते हैं इग्निशन, फिर बात करते हैं सारी चीज़ों से। ऐसी मिलती है इसकी लाइट। तो भाई लाइट के मामले में मीना यहाँ दिखाता हूँ आपको, लाइट भी इन लोगों ने भाई हेलोजन सेटअप दिया है अपना, एलईडी के अंदर भाई थ्रो काफ़ी अच्छा है। जो ग्रिल है अपना इसकी काफ़ी शानदार दिख रही है आपको, इधर से दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसी वाली ग्रिल मिलती है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके वाइपर और बोनट की। बोनट पर कर्व्ड एयर इसके अंदर दिया, एरोडायनामिक्स इसके अंदर दिया गया है भाई। काफ़ी ऊंची गाड़ी इस वजह से, इस तरफ से बात करते हैं, इस तरह में एरोडायनामिक्स इसके अंदर दिया है और इसके अंदर क्लाडिंग वगैरह सब इसकी फेंडर में ही लगी हुई है इसके अंदर। ये चीज़ काफ़ी अच्छी और आपको ऐसे मिल जाते हैं। चलो ड्राइवर साइड डोर में बात करते हैं। ड्राइवर साइड डोर में क्या क्या बोलता है, पहले लाइट बंद कर देते हैं अपनी क्योंकि बैटरी पी जाएगी, क्या मतलब निकलेगा ये। चलो भाई साइड प्रोफाइल बात करते हैं। साइड प्रोफाइल आपको कैसी क्या नहीं है ये है। तो भाई लंबी चौड़ी काफ़ी डायमेंशन आपने देख ही लिया। अब बात करते हैं इसकी टायर साइज़ में। टायर साइज आपको कैसा क्या मिलता है ये है भाई। डायमंड कट अलॉय व्हील 5 नट के साथ में अपना, किसका कितना टायर आता है 17 इंची का आता है भाई, ये 17 इंची का टायर आता है ये वाला, 265/60/8/15 ठीक है 17 का आपको टायर मिल जाता है। डायमंड कट फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और 5 नट के साथ ही वाली आती है। टेलीफोक सस्पेंशन मिल जाते हैं आपको इस तरफ देख सकते हो। और रियर में दिखाता हूँ आपको रियर में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। रियर में अभी आपको अपने डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, 4 डिस्क ब्रेक के साथ आती है भाई। पहली सेगमेंट MUV है जो 4 डिस्क ब्रेक। अपोलो कट आपको टायर मिल जाते हैं, टायर भी काफ़ी अच्छी कंपनी के मिलते हैं इसके अंदर, ये काफ़ी अच्छी बात है ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बात है। चलो इस तरफ से दिखाता हूँ आपको, इस तरफ से कहते क्वार्टर पैनल आपको काफ़ी बड़ा सा दिया गया है। पीछे से बात करें आपको, पीछे से भाई ये वाली गाड़ी भाई इतनी बड़ी और बोकुलर डायनेमिक्स आपको दी गई। साफर एंटीन आपको इसके अंदर मिल जाता है, रियर वाइपर एंड डिफोगर मिल जाता है, सुजुकी का लोबो कनेक्टेड आपको ये वाली ग्रिल आपको मिल जाती है, क्रोम की नेक्सा की बैजिंग आपको यह मिल जाती है। टेल लाइट आपको ऐसी मिलती है, एक बार दिखाता हूँ आपको, जला लेता हूँ एक बार क्या देता है। लाइट भी आपको LED सेटअप मिल जाता है आपको पूरा का पूरा इस तरफ से, काफ़ी अच्छा। हाइब्रिड की आपको बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, विक्टो की आपको इन विक्टो की आपको बैजिंग मिल जाती है। रिवर्स पार्किंग सेंसर भी आप देखें तो इसके अंदर 4 मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। चलो यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है, रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है और यहाँ से अपना बूट भी आप रिलीज कर सकते हो।
इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट नहीं आता है क्योंकि ये सेकंड टॉप वेरिएटी वजह से ये आपको बूट स्पेस मिल जाता है, काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिलता है, इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। और ये अपने निकालने के लिए और लगाने के लिए यहाँ पे आप लगा निकाल सकते हो इसको, यहाँ पे लगा और निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लगाने के लिए भी जगह भाई मारुति ने सिस्टमेटिक तरीके से दिया गया है। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है, यहाँ पर रीडिंग लाइट मिल जाती है बूट के लिए। और इसको उठाएंगे आप तो यहाँ पे आपको खाली जगह अपना इसमें ये नीचे स्पेयर व्हील वगैरह खोलने के लिए मिल जाता है। चलो यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है इसका, और एक जो स्टील पाइप आपको यहाँ मिल जाता है, काफ़ी अच्छा टेल पाइप मिल जाता है, यहाँ पे आपको टेल पाइप यहाँ मिल जाता है। ये सीट की बात करें, सीट आप ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं इसको, ऐसे टाइप में फोल्ड कर सकते हैं इसको। तो ये अंकल देखो किस पोजीशन में बैठे हुए, तो भाई कंफर्टेबल इसके अंदर बैठना मज़ा आता है। चलो इसको बंद करते हैं एक बार, बंद में कैसी क्या नहीं। अरे वाईफाई डिफोर मिल ही जाता है आपको, ये पीछे का डोर खोल के देखते हैं इसका, पीछे का डोर कैसा क्या नहीं है वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ से भरेंगे पेट्रोल, 52 लीटर का पेट्रोल टैंक आता है इसके अंदर, लेकिन 55 से 60 के समथिंग इसके अंदर आ जाएगा। 52 लीटर कंपनी क्लेम करती है लेकिन 55 से 60 इसके अंदर आ ही जाएगा, मिनिमम बता रहा हूँ। क्वार्टर पैनल काफ़ी अच्छा दिया गया, ये देखो क्वार्टर पैनल काफ़ी अच्छा दिया गया इसके अंदर, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। चलो यहाँ खोलते हैं भाई डोर को। भाई इसके अंदर लेदर रैप, यहाँ भी लेदर, यहाँ लेदर और अपना ही प्लास्टिक दिया है। डोर भी काफ़ी अच्छा दिया है इसके अंदर, कटिंग दी गई है, क्रोम डोर ओपनर दिया है, पावर विंडो बटन दिया है, स्पीकर दिया गया है, बोतल होल्डर इसके अंदर, मैक पॉकेट इसके अंदर दी गई है, और नीचे इसके अंदर कुछ नहीं दिया है भाई। इसके अंदर टूटर वगैरह इसके अंदर यहाँ पे तो नहीं है, वहाँ पे ही टूटर होंगे ये। चलो सिल्वर ने अपना ग्रे टाइप का इसके अंदर वो दिया है, डोर ओपनर टाइप का इसके अंदर, कटिंग भी इसके अंदर दिए गए यहाँ पे, आप कटिंग इसके लगा सकते हो यहाँ पे। चलो इसको बंद करते हैं यहाँ पे कटिंग। सीट की बात करें, सीट आपको इसके अंदर फैब्रिक कलर की दी गई है लेकिन काफ़ी कुशनिंग है। ये अपनी बैक एडजस्ट करने के लिए अपनी यहाँ से अपनी जा सकते हो आगे पीछे, यहाँ से जाके अपना पीछे जाओगे और इसको वापस ले जाके अपनी आगे चला जाएगी, है ना। इसको आप कराया देख, चलो बैठ के देखते हैं एक बार इसमें बैठ के कैसी क्या जगह है, कैसी क्या नहीं है, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करता हूँ। हाँ ये मेरे हिसाब से एडजस्ट है, और इसको लगाता हूँ गेट को एक बार, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। चलो गेट लग गया, बढ़िया है। यहाँ पे भी आपको लाइट दी गई, यहाँ पे भी आपको लाइट दी गई है, एसी वेंट आपको यहाँ दिया है, कोट हुक के साथ ग्रैब हैंडल आपको यहाँ दिया गया है, बढ़िया है। यहाँ पे भी आपको लाइट दी गई है, यहाँ पे भी आपको लाइट दी गई है, ठीक है। कोट तो आपको दोनों ग्रैब हैंडल इसके अंदर लाइट यहाँ पे दी गई है। चलो ऐसा आपको डैशबोर्ड एरिया मिल जाता है, काफ़ी शानदार सा डैशबोर्ड एरिया मिल जाता है इसका भाई। कॉकपिट तो आपको पता है, इनोवा की याद दिलाता ही दिलाता है। अब बताऊंगा मैं आपको सारी चीज, वीडियो बने रहे, पसंद आए सब्सक्राइब कर लेना, नहीं आया डिसलाइक करके जरूर जाना भाई, बोल देता हूं मैं तो पहले से। यहां दिखाता हूं, यहां पे अपनों के एसी कंट्रोल मिल जाते हैं, पहले यहां पे अपना क्लोबोर्ड का अपने यहां से अपने 2 से 3-4 क्लोबोर्ड का अपना वजन टांग सकते हैं यहां पे। चलो ये अपना मैक पॉकेट के लिए रखना बोनी मिल जाती है, एक दर्बी आपको जेब मिल जाती है, यहां पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, इसको लगाने के लिए 3 हेडर्स मिल जाते हैं आपको, ये काफ़ी अच्छी है, बेल्ट वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। चलो एक बार गाड़ी ऑन करके फिर आपको मैं इसका टेस्ट देता हूँ, ये कैसी क्या है। कैसे भी अपनी हवा को एडजस्ट आप कर सकते हो, यहाँ से भी अपनी हवा एडजस्ट कम बढ़ अपनी बढ़ा सकते हो, यहाँ पे भी अपनी टेम्परेचर वगैरह बंद चालू कर सकते हो, यहाँ से अपना हवा बढ़ा सकते हो। ये अपनी एसी वगैरह के लिए ऑटो का सिस्टम हो गया, यहाँ पे भी आपको एयरबैंड मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको एयरबैंड मिल जाते हैं, इस जगह पर पीछे भी आपको एयरबैंड मिल जाते हैं। अब चलते हैं भाई पीछे, मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है इसको, मेरी फुट यहाँ पे और थोड़ी सी आगे ले लेता हूँ सीट को, ये भाई मेरे हिसाब से मैंने एडजस्ट कर ली इसको, ये वाली मैं इसको भी इतनी एडजस्ट कर ली, ठीक है। मेरी 5 फुट 4 इंच मेरी हाइट है, यहाँ पे भी अपनी एडजस्ट कर लेता हूँ आगे वाली, ये बगल वाली भी सेम दोनों पोजीशन में मैं कर लेता हूँ, ठीक है। ये दोनों मेरे हिसाब से हो चुकी, देख सकते हो आप। अब मैं चलता हूँ उसके पीछे, पीछे कितनी जगह है, कितनी क्या नहीं है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। इसको पीछे करेंगे, इसको ऑटोमेटिक आगे कर देंगे, और यहाँ पे अपन जाएंगे पीछे, और अब बैठेंगे इसके पीछे आगे, ये भाई इसको गेट लगा देते हैं एक बार, हाँ इसको एक बार और पीछे कर लेते हैं इसको पूरी, ठीक है ये भाई। अब इसको पीछे वगैरह करने के लिए कोई जगह नहीं दी गई है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ से आप इसको भी रिक्लाइन वगैरह आप यहाँ से अभी आप कर सकते हो, ये भाई बैठने के लिए ठीक ठाक है, मतलब 5 फुट का बंदा इसके अंदर चार जैसे बैठ जाएगा, कैसे भी इसके अंदर 5 फुट का बंदा, 5.5 फुट का, 5.75 फुट का बंदा कैसे भी इसके अंदर बैठ जाएगा। इसको फिर पीछे रिक्लाइन करते हैं एक बार, और ये है भाई इतनी आप पीछे करके कैसे भी आप इसके अंदर बैठ सकते हो। बेल्ट भी आपको यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे अपना बेल्ट
इसको आप लगा सकते हो। तो भाई इस वाले बंदे को टेंशन नहीं आएगी, यहाँ से अपना बेल्ट लगा, ग्रैप हैंडल आपको यहाँ दिया गया, एसी वेंट भी आपको पीछे वाले बंदे के लिए टेंशन नहीं है, बोतल होल्डर आपको यहाँ दिया गया। बेकायदा इसको निकाल देते हैं एक बार, कैसे निकलेगा भाई, इसको निकाल देता हूँ मेरे से भाई। ये पर 12B का चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ मिल जाता है, इसको आप बंद भी कर सकते हो, बेल्ट अपना यहाँ भी लगा सकते हो, बोतल होल्डर आपको यहाँ मिल जाता है। अब निकलने वाली बात बताऊँ, निकलते अपना कैसे कल से निकल सकते भाई, ये वाली जो पॉइंट है ना इसको आप पीछे कर दो, अपने आप इसको स्लॉट से ऐसे कर दो भाई, ऑटोमेटिक अपनी आगे हो गई, अपनी सपने इससे निकल आए। ये है भाई, इसको दोबारा से यहीं की कर दो भाई, और अपनी तो भाई अपनी जगह पर कहीं भी बैठ जा, ये अपनी चीज़ है। चलो को ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं, को ड्राइवर साइड डोर में क्या क्या मिलता है अपने को। कोटा सोडा आपको यहाँ सा मिल जाता है, सीट एडजस्ट का लीवर आपको यहाँ मिल जाता है, और अपनी ऐसे ही आपको सीट मिल जाती है काफ़ी ठीक ठाक है। बोटल होल्डर आपको यहाँ मिल जाता है, ऐसे ही सेम कटिंग आपको यहीं मिल जाता है, डैशबोर्ड एरिया आपको ऐसा मिल जाता है। चलो ओवरऑल बारे सारी चीज़ें होंगी। अब सेफ्टी की बात कर ले, सेफ्टी आपको क्या क्या मिलती है, फीचर भी जितने सेफ्टी फीचर की बात करते हैं, सेफ्टी फीचर आपको क्या क्या मिलते हैं, सेफ्टी फीचर ABS, EBD, 6 ईयर बैग, ब्रेक असिस्ट वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर जितने फीचर है ना भाई, लोडेड है ये फीचर के मामले में, लोडेड है ये। चलो और भी की बात करते हैं, तो और भी मैं दिखाना भूल गया था, 10 इंडिकेटर सारे वो ब्लैक बॉडी कलर के आपको और मिल जाते, वाइपर आपको फ्लैट वाले मिल जाते, वही सेम सारी मारुति गाड़ियों में आते हैं ये वाले। आइए ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं, ड्राइवर साइड डोर के अंदर, इसके अंदर भाई एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, पहले गाड़ी बंद कर दूँ, और गाड़ी बंद करने के बाद मैं दिखाता हूँ, जैसे गाड़ी लॉक कर दूँ उसकी मैं चीज़ के अंदर। आई कमाल का फीचर है इसके अंदर, एक जैसे ही मैंने गाड़ी लॉक की, जैसे गाड़ी लॉक हो गई तो ऑटोमेटिक गाड़ी लॉक हो चुकी, लेकिन अब मैं चाबी मेरी जेब के अंदर है, चाबी मैं अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ, तो चाबी पॉकेट में रखने के बाद में भाई इसको मैं यहीं से ही हाथ डालूंगा और ऐसे ही ये खुल जाए, जैसे मैंने हाथ डाला इसमें, हाथ डाला और चाबी दूर ले गया, मैं यहाँ से दूर ले गया, ऑटोमेटिक गाड़ी अपनी लॉक हो जाएगी ऑटोमेटिक ही 5 सेकंड के अंदर, 5-7 सेकंड के अंदर, और जैसे ही बगल में आपने चाबी ऐसे खोली अपने आप ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। ड्राइवर साइड डोर में आपको अपनी लेदर मिली जाती है, डोर ओपनर आपको सेम में ऐसा मिल जाता है, चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन के साथ में, और अपनी ड्राइवर साइड भी चारों डाउन ऑटो अप मिल जाती है, और अपनी चारों विंडो आपकी एंची पिंच और ऑटो डाउन और ऑटो अप के साथ आती, चारों की चारों विंडो, अपना लॉक अपना चाइल्ड सेफ्टी लॉक, लॉक अनलॉक, अपना अपना उसके दबाने के लिए कि मेरा अपना कहाँ पर एडजस्ट करना है कहाँ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें इसके लिए आती हैं। ठीक है, ये है। चलो भाई ये अपनी पावर विंडो आपकी हो गई, बोतल होल्डर आपको यहाँ मिल जाता है, मैक पॉकेट यहाँ मिल जाता है, स्पीकर आपको यहाँ मिल जाता है, ट्यूटर शूटर आपको सब इसके अंदर मिल जाते हैं। चलो इसको लगाते हैं एक बार और बैठते हैं इसके अंदर। ये है, यहाँ पे भी आपको स्पीकर मिलता है, वहाँ पे भी आपको स्पीकर मिल जाता है, सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं। चलो पहले इसको ऑन कर लेते हैं भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। ये है भाला भाई, इसकी एसी ब्लोअर कम कर दें पहले भाई, कम हो जा थोड़ी सी तू। ये है भाई, चलो 3-spoke स्टेयरिंग व्हील भाई, स्टेयरिंग की बात करूं काफ़ी लाइट स्टेयरिंग व्हील है, काफ़ी लाइट देख सकते हो आप इसके अंदर भाई। पेडल शिफ्टर भी आपको मिल जाते हैं, यहाँ से आपको पेडल शिफ्टर मिलते हैं, ये अपना प्लस का मिल जाता है, और अपना माइनस का मिलता है भाई, अपने वाइफर के टॉगल, अदर लाइट के टॉगल, लाइट स्टेयरिंग भाई कितना अच्छा है भाई मारुति की गाड़ी में, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये बड़ी अच्छी बात है। चलो सीट पीछे कर ली अपने, ये है इधर आपको मिल जाती है वॉल्यूम कंट्रोल, ट्रैक चेंज करने के लिए, अपने बैक के लिए, अपना म्यूट वगैरह के लिए मिल जाता है, ये अपनी वॉल्यूम अगर आपको ज़्यादा करने के लिए मिल जाता है, अपनी ट्रैक वगैरह चेंज, इधर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, अपना ये मोड कैंसिल मोड द्वारा चेंज करने के लिए मिल जाता है, इधर अपनी MID चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी अपनी MID आप चेंज कर सकते हो। चलो है ना, अब MID अंदर आते हैं, तो MID में आपको क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता है, तो ये अपनी MID डिजिटली मिल जाती है आपको, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर है ना, डिजिटल मिलती है तो भाई शानदार मिलती है, यहाँ से भी आप ट्रैक अपनी कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से अपनी कंट्रोल अपनी जहाँ से चला भी सकते हो इसको, जो किलोमीटर वगैरह सारी चीज़ दिखाती है, ये सब चीज़ दिखाई, किलोमीटर पार्क वगैरह क्या क्या है, क्या क्या नहीं है इसके अंदर, ये सब चीज़ दिखाई, टाइम दिखा रहा है आपको 2:53, फ्यूल के लिए आपको दिखा रही है ये, अपना टेम्परेचर की, अपना टेम्परेचर वगैरह के लिए, हाई टेम्परेचर अपने फ्यूल के लिए, इधर आपको RPM मीटर दिखाता हूँ आपको, अपनी बैटरी पे चल रही गाड़ी स्टार्ट नहीं है अभी, अभी बैटरी पे है, देखो मैं रेस दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो रेस दे रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है इसको, ठीक है EV मोड पे चल रही है अभी ये। चलो ये अपनी स्पीडोमीटर हो गया, 240 तक इसकी मार्किंग दी गई है, टाइम वाला सारी चीज़ दिखाती है अपनी, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बंद हो गई।
दोबारा चालू कर ली, बंद हो गई और दोबारा चालू कर ली, ये अपनी चालू हो गई। रेस दे रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है इसको। चलो पार्क मोड में खड़ी हुई इस वजह से। यहाँ मैंने पूरी दिखा दी, एयरबैग आपको यहाँ मिल जाता है, हॉर्न की बात कर कैसा मिलता है वही पी पी हॉर्न सेम आपको वही मिल जाता है। इधर देखते हैं भाई, इधर है पूरा मजा। यहाँ से जो सिस्टम दिया गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक भाई काफ़ी शानदार सिस्टम दिया गया यहाँ तक। चलो बात करते हैं, यहाँ से दो कप होल्डर मिल जाता है, सिल्वर कलर आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ पे आपको सी टाइप और यूएसबी पोर्ट मिल जाता है आपको यहाँ पे। यहाँ पे आपको वेंटिलेट सीट वगैरह मिल जाती है, ईवी मोड मिल जाता है आपको यहाँ पे। और ये अपना मिल जाता है भाई, दिखाता हूँ आपको काय का मिलता है। ये देखो ये अपना ड्राइव मोड मिल जाते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। ये अपना मिल जाता है होल्ड कंट्रोल, हिसन होल्ड कंट्रोल मिल जाता है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है अपने को, या कि अपना गियर नॉक मिल जाता है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। चलो वेंटिलेट सीट वगैरह इसके अंदर भी आते हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ आता है इसके अंदर। लेकिन इस मॉडल में टॉप मॉडल में आते हैं, लेकिन इसके अंदर पार्किंग ब्रेक इसके अंदर आता है। ये है भाई इसका DCT 6-speed गियर बॉक्स, जो भाई काफ़ी शानदार है। ये इसका अपना रिवर्स पार्किंग कैमरा चेक कराता हूँ आपको मैं। ये रिवर्स पार्किंग कैमरा, गाइडलाइन इसके अंदर है भी नहीं है? ना ही भाई, गाइडलाइन इसके अंदर नहीं है। देख लो एक बार आप, गाइडलाइन इसके अंदर नहीं है, ठीक है। गाइडलाइन इसके अंदर नहीं, पार्क मोड पर डाल देते हैं दोबारा से। ये है, चलो टिक टिक कंट्रोल आपको ये सब मिल जाता है। AC बैंड, कूलिंग काफ़ी अच्छी है भाई, मैनुअल वार भी मिल जाता है। लाइट आपको ऐसी मिल जाती है, पता नहीं कैसी है, सो उसका बटन मिलता है। ये लाइट LED मिलती है भाई इसके अंदर, यहाँ से जल जाती है लेकिन पता नहीं क्यों नहीं जल रही। LED मिलती है यहाँ पे, सनसेट वेंटी मिरर मिलता है विथ लाइट के साथ। ए भाई खुल गया भाई, लाइट के साथ वेंटी मिरर भी मिलता है। इसको बंद कर देते हैं एक बार, तो हो गया। इधर इधर भी मिलती है लाइट के साथ, ठीक है। चलो यहाँ हो गया। ये भाई यहाँ पे आते हैं, पूरा मज़ा तो यही है। इसको लगा के ऐसे कर देते हैं एक बार, सही सब सही हो जाएगा। ये नहीं छुटाते यार, क्यों छुटाना है। ये बैग वगैरह सिस्टम यहाँ पे आ गया, जो सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है ये वाला। इधर अपनी सेटिंग आते हैं, सेटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें दिखाएगा, ऑडियो सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, अपनी ब्लूटूथ सेटिंग, अपने 2-day सेटिंग, सिस्टम सेटिंग वगैरह सारी चीज़ इसके अंदर आती हैं। सब चीज़ इसके अंदर आती है भाई, ऑडियो सेटिंग में जाते हैं अपनी ऑडियो सेटिंग, ये डिस्प्ले सेटिंग, ये ब्लूटूथ सेटिंग, सारी चीज़ इसके अंदर आ जाती है। यहाँ से अपने बैक कर लेते हैं, फ़ोन वीडियो वगैरह कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाते हैं। इसके अंदर eSIM भी आती है, तो भाई eSIM लगवाओगे तो आप वो भी चल जाती है। चलो यहाँ हो गया कंप्लीट, भर पूरा का पूरा मैंने आपको दिखाई दिया। सीट की स्टेयरिंग की बात करें, स्टेयरिंग आपको ऊपर नीचे आगे और पीछे दोनों हो जाती है। रेस अभी गाड़ी अभी चार बैटरी पर ही चाल अपनी चल रही है, ये चीज़ है। ईवी मोड वगैरह अपनी शायद में एडिट कर सकते हो। इधर की बात करें, अभी मैं एडजस्ट आप कर सकते हो, यहाँ से अभी मैं एडजस्ट कर सकते हो। AC वेंट आपको यहाँ मिल जाता है, ट्यूबलेट स्पीकर आपको यहाँ मिल जाता है, सपोर्ट करता है 6-speed सपोर्ट करता है ये वाला। इधर भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है सॉफ्ट टच के साथ में, यहाँ पे पिलर मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है, और एयरबैग आपको भाई यहाँ पे मिल जाता है। सीट स्टेयरिंग से अपनी अपनी इसके एडजस्ट वाला आपको सीट बेल्ट मिल जाते हैं, ये अपनी अच्छी बात है। सीट बेल्ट आपको एडजस्ट मिल जाते हैं, स्टेयरिंग में इसके अंदर भी एयरबैग मिल जाता है सीट के अंदर भी। चलो भाई अब चलते हैं इसके अंदर बाहर, बंद कर देते हैं इसको एक बार, पूरी गाड़ी बंद। अब खोलते हैं इसका इंजन बे और पेट्रोल बे, है ना, दिखाता हूँ आपको। यहाँ से खोलते हैं भाई इसका पेट्रोल और यहाँ से खोलते हैं इसका इंजन। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट डेड पेडल इसके अंदर आता है, ब्रेक और ब्रेक लाइटर के लिए लीवर, ठीक है। सीट एडजस्टर आपको यहाँ से करते हैं, 6 एडजस्टर, टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है, विंग प्लेट आपको यहाँ नहीं मिलती भाई, मारुति गाड़ियाँ आप थटगी धीरे धीरे। चलो लगाते हैं इसको, उस तरफ से दिखाता हूँ अपना वो क्या कहते हैं इंजन बे। यहाँ से भरेंगे पेट्रोल, ये पेट्रोल के वेरिएंट में ही आती है, ये पेट्रोल भरेंगे यहाँ से, यहाँ से अपना पेट्रोल भर सकते हैं। हवा तो आने लगी है भाई, यहाँ पेट्रोल की टांगने वगैरह के लिए इसकी जगह दी गई है। चलो भाई इंजन बे दिखाता हूँ आपको, इंजन बे कैसा क्या है, कैसा क्या नहीं है, इसको मैं खोल लेता हूँ एक बार। भाई इनलाइन 4 सिलेंडर 2000 cc का पेट्रोल इंजन, जो भाई पावर जनरेट करेगा ना भाई, आप शौक हो जाओगे, ये चीज़ है। डिस्प्ले में आपको पावर टॉर्क वगैरह सारी चीज़ हो जाएंगी। माइलेज की बात करूँ, माइलेज आपको 23 KMPL कंपनी क्लेम करती है, 23.5 का कंपनी क्लेम करती है। ये है, 4 सिलेंडर आपको मिल जाते हैं, स्मार्ट हाइब्रिड के साथ ही वाला आता है,
आपकी बैटरी पे भी चल देगी और पेट्रोल पे भी चलेगी। आप 1 लीटर एक एक फुल टैंक में आप 1200-1300 जाता है अपना ईयर वो वाला फिल्टर या एमरॉन की बैटरी मिल जाती है आपको। इधर से नीचे देखते हैं, इधर गद्दा वगैरह पूरा लगा हुआ है, पर बिल्कुल अपनी बंद गाड़ी है। यहाँ से वो भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ से पूरा इंसुलेशन वगैरह सारी चीज़ बिल्कुल ब्लॉक करके दिए इन्होंने। ये चीज़ अच्छी अपना वाइफर के लिए या अपना कूलेंट वगैरह के लिए, ब्रेक ऑयल के लिए, यहाँ से अपना कुछ भर सकते हैं, यहाँ ब्रेक ऑयल के लिए भर सकते हैं। तो भाई इन्होंने यहाँ से तो पूरा छुपा के दिया है इन्होंने, ये चीज़ काफ़ी अच्छी। इंसुलेशन गत्ता भी दिया गया, रबड़ भी इन्होंने दी गई है, इंसुलेशन गत्ता भी इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया गया। इसको बंद कर देता ना, मुझे बंद कर देते हैं इसको। बताना भाई इन्वर्टर कैसी लगी मुझे कमेंट में। वीडियो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लीज सेव ड्रेस, हैव अ नाइस डे।